अस्सलाम वालेकुम क्लास फोर, आज का हमारा आज हमने पेज नंबर 25 करना है, डिवीजन विद बिगर नंबर्स। जिसरा हमने पीछे टेबल किया था, अब आज हमारे पास इसी तरह टेबल है। लिखा हुआ है व्हेन यू हैव कंप्लीटेड दिस चार्ट, जब आप ये चार्ट कंप्लीट कर लेंगे यू विल हैव रिटन टेबल्स फॉर दीज नंबर। आपने टेबल्स लिखे हुए होंगे किस किस का, 10 का, 20 का, 30 का, 90 तक आपके पास सारे टेबल्स आ जाएंगे। ठीक है, कैसे करना है, वही सेम मेथड है। 10 को 1 से किया 10, 10 टू ज़ा 20, 10 थ्री ज़ा 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। ठीक है, अब ये 20 का आपने 2 का टेबल जिस तरह लिखते हैं, देखिए 2 1 ज़ा 2 0 आ गया। 20, 40, 60, 80, 100, क्यों, 2 5 ज़ा 10 और ये 20 का एक 0। ठीक है, और ये 120, 140, ठीक है, 160, 180, 200। ठीक है, अच्छा क्लास, अब आप ये देखें सारा मैंने टेबल फिल कर दिया। ठीक है, अब आपने इसी तरह इस सारे टेबल को खुद से फिल करना है। अब हम आते हैं नीचे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 7 आप देखें, पार्ट ए है, 350 को आपने 70 पर डिवाइड करना है। आपने क्या करना है, 70 वाले बॉक्स में जाना है। ठीक है, टेबल में कॉलम में जाएं, 70 वाले 350 का हाँ आ रहा है, 35 का, तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, 5 लिखना है। ठीक है, अब हमने किधर जाना है, 40 वाले में जाना है, और यहाँ पे सॉरी ये मैंने 0 नहीं लगाया। ठीक है, इस तरह से आपने फिल करना है और 0। अब ये देखें 40 कितने का, 200 होता है, 45 का। इसको एक और भी तरीका करने का, आपने क्या करना है, आपने ये एक ज़ीरो से कैंसिल हो गया। अब 4 के टेबल में 20 कहाँ आता है, 4 5 ज़ा 20 होता है, तो आपने आंसर लिख देना है। अब ये देखें एक ज़ीरो से कैंसिल हो गया, 9 कितने ज़ा 72 होता है, 9 8 ज़ा 72 होता है। ठीक है, आपने यहाँ क्या कर देना है, 8 लिख देना है। अब हमारे पास क्लास एक क्वेश्चन है, 424 डिवाइडेड बाय 70। अब मैं आपको डिवाइड करके बताती हूँ किस तरह। आपने ये 424 को लिखा अंदर और 70 को आपने बाहर लिखा। ठीक है, अब आपने ये इसी तरह टेबल सामने रखना है। ठीक है, 70 के टेबल में 4 दो डिजिट्स हैं आपके पास, तो आपने दो डिजिट्स लिखने हैं। 70 को आपने पढ़ना है कि कितना, 70 कितने ज़ा 42 होता है, 76 ज़ा 42 होता, 420 होता है, तो हम यहाँ पे 420 लिख लेंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, अब 424 में से 420 किया तो हमारे पास क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। 4 हमारा क्या है, रिमाइंडर है। आपने यहाँ पे क्या आंसर लिखना है, 6 लिखना है और 7 रिमाइंडर बताना है कि रिमाइंडर आपका क्या है, 4 है। इसी तरह आपने बाकी सारे क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, अल्लाह।